क्या हुआ जब 477 साल के बाद राधा रमन मंदिर के दरवाजे खोले गए और अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये मंदिर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है जो वृंदावन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर है। बता दें कि इस मंदिर में करीबन 525 वर्षों से माचिस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे ही कई रहस्य ये मंदिर समेटे हुए हैं जिन पर से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एक समय की बात है जब गोपाल भट्ट स्वामी जी को गंडक नदी में एक शालीमार मिला जिसे वे वृंदावन ले आए और एक मंदिर में स्थापित कर दिया। और जब अगली सुबह हुई तो उन्होंने देखा उसी शालीग्राम में राधा रमन की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो चुकी थी। कहा जाता है कि राधा रमन मंदिर में उपस्थित ये प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई है। कई वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं इस मूर्ति में छैनी हथौड़ों के निशान मिल जाए, लेकिन वो लोग ढूंढ पाने में असफल हुए। ये प्रतिमा अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इसी राधा रमन मंदिर में पिछले 477 सालों से एक भट्टी लगातार जल रही है। कई वर्षों से जल रही इस भट्टी का उपयोग ठाकुर जी की रसोई तैयार करने के लिए किया जाता है। श्री राधा रमन मंदिर में दीपक जलाने से लेकर प्रसाद को तैयार करने तक सभी काम इसी भट्टी के इस्तेमाल से होते हैं और यही कारण है कि पिछले 477 वर्षों से इस मंदिर में माचिस का इस्तेमाल तक नहीं हुआ है। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने वृंदावन पर हमला किया तो इस मंदिर पर भी खतरा मंडराने लगा, लेकिन मुगल इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं कर पाए क्योंकि सभी पुजारी ढाल बनकर मंदिर के सामने खड़े हो गए। मंदिर में उपस्थित मूर्ति को भी कुछ समय के लिए छुपा दिया गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए ये मंदिर बंद कर दिया गया। और जब धीरे धीरे मुगल आक्रमण बंद होने लगे तो मंदिर को पुनः खोलने की तैयारी की गई। और सालों बाद जब राधा रमन मंदिर को पुनः खोला गया तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि मंदिर पिछले कई समय से बंद था, फिर भी उस भट्टी में ज्वाला निरंतर अपने आप जल रही थी। सभी लोग ये नज़ारा देखकर बहुत ही हैरान थे। दरअसल गोपाल भट्ट स्वामी जी, जिनके निवेदन पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, उन्होंने मंदिर की प्रथम आरती के लिए यहाँ पर अग्निवैदिक मंत्रों के माध्यम से 477 साल पहले प्रकट की थी ये अग्नि, जिसके लिए अरण्य मंथन का भी सहारा लिया गया था, जिसके बाद तब से लेकर आज तक वो अग्नि राधा रमन मंदिर में आज तक नहीं बुझी है, जिसके कारण कई वैज्ञानिक हैरान हैं और इस मंदिर के रहस्यों का आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।